अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्प जे एंड के स्टूडेंट्स। गाइज, आज मैं आपके लिए लाया हूँ, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब पोस्ट निकाले हैं एई इलेक्ट्रिकल के लिए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, कब से आप अप्लाई कर सकते हो, कब है लास्ट डेट, क्या है फीस, सभी इस वीडियो में बताऊंगा। हाँ गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब तक आप लोगों ने हमारी चैनल हेल्प जेंट के स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियोज़ के लिए। हाँ गाइज, बेल आइकन पर क्लिक करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूँगा। हाँ गाइज, मैं वीडियो पे चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब पोस्ट निकाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, हम मैं नोट्स पे चलते हैं। मैं नोटिस जो निकाले हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने, ठीक है, उन्होंने पोस्ट निकाले असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन नंबर है 7 PSC DRP ऑफ 2019। ठीक है, आज उन्होंने ये नोट्स निकाले 26 अप्रैल 2019 को। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो 28 अप्रैल 2019 को। ठीक है, और जो लास्ट डेट है 28 मई 2019 को। हम बात करते हैं पे स्केल की, जो पे स्केल है इसके लिए 50,700 से लेकर 1,60,600 इसकी पे स्केल है। ठीक है, पोस्ट्स की बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो ओपन मेरिट के लिए है 40 पोस्ट है, आरबीए के लिए 6 पोस्ट है, एससी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 6 पोस्ट्स, एएलसी के लिए 1, एसएलसी के लिए कोई पोस्ट नहीं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 58 वैकेंसीज है। बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री रिलेवेंट ब्रांच में, यानी कि इलेक्ट्रिकल में आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं, एज की बात करते हैं, एज क्वालिफिकेशन मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, 40 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकली चैलेंजेड कैंडिडेट्स के लिए 42 ईयर्स है मैक्सिमम एज, और जो आरबीए एससी एसटी एएलसी एसएलसी कैटेगरी के लिए 43 ईयर्स है मैक्सिमम एज, और एक्स सर्विसमैन के लिए 48 ईयर्स है मैक्सिमम एज। बात करते हैं हम एग्ज़ाम फ़ी की, जो जनरल कैटेगरीज के लिए एग्जामिनेशन फ़ी है वह 800 रुपीज़, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 400 है, और जो पीएचसी कैंडिडेट्स हैं इनके लिए कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है JKPSC.NIC.IN से, वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट्स के लिए। ठीक है गाइज, ये है नोटिस जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 58 वैकेंसीज है, ओपन मेरिट के लिए 40 वैकेंसीज है। हाँ गाइज, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अगर खराब लगा डिसलाइक का बटन दबा दीजिए। हाँ गाइज, ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल हेल्प जे एंड के स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।